वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हम चिवड़ा बनाते हैं त्योहारों पे स्टोर करके रखते हैं उसी के लिए है। जो मसाला जो रेडीमेड मार्केट में मिलता है, वो मसाला हम घर पर बहुत ही आसानी से अच्छे से बना सकते हैं और स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। गैस पर मैंने यहाँ खाली पैन लिया है, इसमें सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे साबुत धनिया। साबुत धनिया मैंने 3 चम्मच लिया है। मैंने इस चम्मच का मेजरमेंट रखा है, एक ही चम्मच का मेजरमेंट रखना है आपको, सेम चम्मच का। इसे हम रोस्ट कर लेंगे। धनिया के साथ ही हम डाल देंगे 3 चम्मच जीरा। साथ में डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच साबुत काली मिर्ची, 3 चम्मच साबुत धनिया, 3 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत काली मिर्ची। तीनों को अच्छे से रोस्ट करके बाहर निकाल लेंगे। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसे मैं बाहर प्लेट पे निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसमें रोस्ट करेंगे हम 4, मैंने यहाँ मीडियम साइज के लिए है तेज पत्ता 4 लेंगे हम, लौंग 2 लेंगे, बड़ी इलायची, काली इलायची जो आती है वो इलायची ले रही है, हमें खोल के डाल देंगे। देखिए खड़े मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। 2 चम्मच डालेंगे हम सौंफ, सौंफ को भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। सौंफ के साथ ही हम डाल देते हैं यहाँ 1 चम्मच अजवाइन। हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, सौंफ और अजवाइन जल्दी रोस्ट हो जाता है। ये हल्का हल्का रोस्ट हो गया है, इसलिए मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी है। बाकी बचे हुए मसाले हम इसमें डालेंगे। गरम पैन में ही हम डालेंगे यहाँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे ड्राई जिंजर पाउडर, सॉल्ट पाउडर जिसे बोलते हैं हम, 2 चम्मच डालेंगे हम काला नमक, रेगुलर सॉल्ट डालेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम। सभी मसालों को गर्म पैन में एक बार मिला लेंगे। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर आप मार्केट से भी ला सकते हैं, घर पे सुखा के भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ मार्केट से ही लाया हुआ डाला है। 1 चम्मच अनियन पाउडर डाला था और 1 चम्मच गार्लिक पाउडर। भुने हुए सभी मसालों को मैंने यहाँ मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब डालना है इसमें हमें 1 चम्मच सिट्रिक एसिड, जिसे नींबू सर्प भी बोलते हैं, दूध को फाड़ने में भी काम आता है, बहुत खट्टा होता है ये। सिट्रिक एसिड को मसाले में डाल के पूरे मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा चिवड़ा का मसाला बनकर रेडी है। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, ये बहुत ही टेस्टी है। जब आप चिवड़ा बना रहे हैं तो आप ये मसाला जरूर डालें। इसे आप चिवड़ा के अकॉर्डिंग ही डालें, जितना आप चिवड़ा बना रहे हैं उसी के अनुसार डालें। 1 पाव चिवड़ा में आप इसे 2 चम्मच मसाला डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।